Neelaamjana Samaabhaasam Raviputram yamaagrajam Chchaaya maarthanda sambootham tham namaami shanaishwaram. कल जाऊंगा। और बहू एक काम कर जी, तू शक्ति की जन्म कुंडली निकाल दे। हाँ। वो मुझे दे देना, हो सका तो मिलवा के ही आऊंगा। जी मैं अभी ला कर देती हूँ। ठीक है। हाँ पूरी कर लेंगे। अरे मार गोली बाजी को यार, अब तो लड्डू खिलाने का इंतजाम कर। लो, मैं लड्डू खिलाने वाला कौन हूँ? ये घर भी तेरा चाचा, बच्चे भी तेरे। मनोहर सिंह जी। जी भाई, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से बात पक्की समझिए। अब अगर आपके मन में कोई संशय हो तो बताएं। संशय कैसा करण सिंह जी, ठाकुर साहब के परिवार को भला कौन नहीं जानता है। बहुत नाम और इज्जत है उनकी, और लड़का भी अपना देखा हुआ ही है। ऐसे खानदान में लड़की का रिश्ता होना तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और इज्जत की बात है। हमारी तरफ से तो बात पक्के ही समझिए, परंतु 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 क्या बताइए, परंतु क्या? नहीं, बात कुछ विशेष नहीं है। दरअसल लक्ष्मी को हमारे कोकिला वन के महन जी अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अच्छा। और महन जी से इस विषय में कोई सलाह लिए बिना हमारे लिए कोई भी फैसला करना कुछ उचित नहीं होगा। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, है? आपकी बेटी बड़ी खुश नसीब है कि उसे इतने बड़े विद्वान और सत्पुरुष का आशीर्वाद मिला हुआ है। आप एक बात मेरी मानेंगे, उनसे सलाह लीजिए, पूरे तरीके से सलाह लीजिए, दोनों जन्म कुंडलियां बड़े इत्मीनान से मिलवाइए। पूरी तसल्ली हो जाए, पूरा इत्मीनान हो जाए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए। ये लीजिए, ये रही शक्ति की जन्म कुंडली। धन्यवाद, मैं महन जी को कुंडली दिखाकर तुरंत आपको सूचना देता हूँ। ठीक है,
मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। हमें आपके जवाब का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप निश्चिंत रहें, बस एक बार महन जी ने हाँ कर दी तो समझिए लक्ष्मी बिटिया आपकी। अरे वाह वाह भाई, क्या बात है। ठीक है, हमें आपके इस शुभ संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। अवश्य है। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। प्रभु, आप ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं लक्ष्मी की? आपको उसे दुख और विपदाएं देनी थी, परंतु आप तो उसे सुख दे रहे हैं और उसका घर बसाने की तैयारी कर रहे हैं। देव ऋषि, आप अति शीघ्र व्याकुल हो जाते हैं। हम जो भी कर रहे हैं उचित ही कर रहे हैं। अब ये उचित है या अनुचित ये तो आप ही जाने। मैं तो बस लक्ष्मी की परीक्षा देखना चाहता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि वो विकट समय में भी आपकी भक्ति इसी श्रद्धा भाव से करती है या नहीं। आप देख लेना मुनिवर, उसकी भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जब आएगा तब आएगा प्रभु, मुझे तो बस लक्ष्मी की परीक्षा देखनी है। लक्ष्मी की परीक्षा आरंभ हो चुकी है देवऋषि, थोड़ा धैर्य रखे और देखते जाइए कि आगे आगे क्या होता है। धैर्य रखना तो इस मूढ़ मुनि के वश में नहीं है प्रभु। हाँ, आप कहते हैं तो नारायण नारायण। महन जी। कौन है भाई? दरवाजा खुला है, भीतर आ जाइए। प्रणाम महन जी। नमस्कार। पहचाना नहीं मुनिवर? पहचानेंगे कैसे, हमारी आपसे पहली बार भेंट जो हो रही है। अच्छा, आने का कोई विशेष कारण? कारण तो कुछ भी विशेष नहीं है महन जी। साधु तो हमेशा अपने भगवान की खोज में भटकता रहता है। मैं भी भटक रहा था तो पता चला कि पास के गांव की धरती से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा निकली है और गांव वासी उसे स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई समाचार हमें प्राप्त नहीं हुआ। महाराज, यही समाचार लेकर तो मैं आपके पास आया हूँ। आप यहाँ इस शनि मंदिर के महंत हैं, अगर आपके हाथों से मूर्ति की स्थापना हो जाए तो बहुत ही शुभ। आपने इस कार्य के लिए मुझे योग्य समझा, मैं इसके लिए आभारी हूँ, परंतु। देखिए महाराज, अब आप किंतु करिए या परंतु, आपको मेरे साथ चलकर यह पुण्य काम करना ही होगा। मैं आपको यहाँ से लिए बगैर नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर भगवान ने यह पुण्य मेरे ही भाग्य में लिखा है तो मैं चलता हूँ, पर तनिक आप ठहरिए, मैं जरा शिष्यों से मिलकर आता हूँ। किसी और को बताने की भला क्या आवश्यकता है, बस थोड़े समय में ही तो हम वापस आ जाएंगे। भाई, मैं अपने ठाकुर जी की पूजा का सामान तो ले लूं। जब भी मुझे बाहर जाना पड़ता है मैं ठाकुर जी की पूजा का सामान लेकर ही जाता हूँ। चलिए, कहाँ चलना है? नारायण नारायण, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। प्रणाम महन जी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ले आए लड़के की कुंडली। आपको कैसे पता चला कि हम कुंडली लेकर आए हैं? मुझे तो ये भी पता है मनोहर सिंह, कि भानु प्रताप के लड़के शक्ति सिंह का रिश्ता आया है हमारी लक्ष्मी के लिए। अरे महन जी, आप तो अंतर्यामी हो गए हैं, आपको कैसे पता चला कि हम शक्ति सिंह की कुंडली लेकर आए हैं? क्या करना है जानकर? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारी लक्ष्मी के लिए रिश्ता अपने आप ही चलकर आएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा था महन जी। ये लीजिए ठाकुर भानु प्रताप सिंह के पुत्र शक्ति सिंह की कुंडली और ये अपनी बिटिया लक्ष्मी की कुंडली। महन जी, कोई गड़बड़ है क्या? गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ है। लड़के और लड़की के सारे गुण एक साथ मिलते हैं और सारे गुणों का मिलना दोनों के लिए क्या महन जी? बहुत शुभ होता है मनोहर सिंह। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब लड़के और लड़की के गुण सारे मिल जाते हैं
इनकी जोड़ी राम और सीता के जैसी होगी। जाओ शादी की तैयारी आरंभ करो। महन जी, शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त है तो वो भी बता देते। अगले महीने की 15 तारीख बहुत शुभ दिन है और हमारी लक्ष्मी बेटी के लिए अति उत्तम रहेगा। अब तो खुश हो लक्ष्मी की माँ? जी महन जी, मैं बहुत खुश हूँ। तो जाओ शादी की तैयारियाँ शुरू करो। जैसे आपकी आज्ञा महन जी। प्रणाम महन जी। खुश रहो। योगीराज जी। जी आया महंत जी। योगीराज जी, हम 5-7 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तक मंदिर और घर का ख्याल रखना, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। करण, तू कब आया? हुजूर, आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ। आधा घंटा? जी हाँ यार, आई एम सॉरी, मैं तुझे देख नहीं पाया। तुम तो उनके ख्यालों में जो खोए हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके शक्ति, तेरा अभी से यह हाल है तो शादी के बाद तो हमें भुला ही देगा। भाई साहब, यार दोस्तों को कोई भुला सकता है? भुला सकता नहीं, तूने भुला दिया है। क्या भुला दिया है? आज राजेश का बर्थडे है। ओह शिट, और हमें उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। तू एक काम कर, 2 मिनट बैठ, मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके दीदी, मेरे हाथों में मेहंदी लगवाओ ना। लगेगी, पहले बन तो जाने दे, तेरी मेहंदी तब लगेगी जब तेरी शादी होगी। मैं तो भी छोटी हूँ, मेरी शादी भी थोड़ी ना होगी। मैं तो लक्ष्मी के साथ ही तेरी शादी करवा दे। ओहो, शादी यूं थोड़ी ना जाती है। मेरी माँ ने मेरे लिए लड़का भी नहीं देखा। अरे लड़का देखने में कौन सा वक्त लगता है? तू मेरे तो लक्ष्मी भाई। वाह सोनी जी वाह, मजा आ गया। एक एक जेवर क्या छांट कर लाए हो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, सारा सामान समय पर पहुंच जाना चाहिए। जी ठाकुर साहब, बिल्कुल समय पर पहुंच जाएगा। हाँ। अच्छा अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। चाचा जी। हाँ बेटा। शादी का सारा इंतजाम कर दिया है, बारात आएगी तो खुश होकर जाएगी। कोई कमी नहीं रहेगी हमारी लक्ष्मी की शादी में। अरे पगले, सबसे बड़ी कमी तो तेरी ही रहेगी, खुद सारा इंतजाम कर रहा है और शादी से पहले ही जा रहा है। रुक जा ना बेटा। रुक जाता, इम्तिहान है, वरना मन तो मेरा भी बहुत है रुकने का। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इम्तिहान खत्म होते ही मैं चलाऊंगा। और तब तक लक्ष्मी अपने ससुराल जा चुकी होगी। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं सीधा ससुराल चला जाऊंगा, वहां मैं लक्ष्मी से भी मिलूंगा और उनके ससुराल वालों से भी। तू और तेरी बातें। अरे तेरी बातों के चक्कर में मैं तो यही भूल गया, क्या शनिवार है और मुझे शनि मंदिर प्रसाद चढ़ाने जाना है। ठीक है चाचा जी, आप जाइए, मैं भी जरा हलवाई का काम देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है, जाओ बेटा, शाबाश। योगीराज। महन जी प्रणाम। खुश रहो। अरे महन जी, बड़े दिन लगा दिया आपने तो, हमको तो बड़ी चिंता हो रही थी। दरअसल गया तो 4-5 दिनों के लिए ही था, वहां जाकर काम में उलझ गया। अच्छा ऐसा करो, लक्ष्मी बिटिया से कहो मेरे स्नान के लिए पानी गर्म करवा दे। महन जी, लक्ष्मी तो यहाँ नहीं है, मैं स्वयं जाकर आपके नहाने का प्रबंध करता हूँ। क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल लक्ष्मी बहन की शादी पक्की हो गई है। लक्ष्मी बिटिया की शादी पक्की हो गई? मुझे पता नहीं। क्यों, आप ही ने तो कुंडलियां मिलवाई थी। हाँ ऐसा करो, जल्दी जाओ लक्ष्मी को और उसके माता पिता को बुला कर लाओ और कहना कि लक्ष्मी की और लड़के की कुंडली लेकर आए। ठीक है जी महन जी, मैं स्वयं जाकर लेकर आता हूँ। जाओ।